दोस्तों सनी देओल, अमीषा पटेल स्टारर गदर 2 मूवी फिलहाल चर्चा में है, जो कि 11 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। जिस तरह 22 साल पहले इस मूवी ने गदर मचाया था, उसका दूसरा पार्ट भी गदर मचाने के लिए तैयार है। इस वक्त सनी पाजी और अमीषा पटेल गदर 2 के प्रमोशन में बिजी है और अपनी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड भी है। 22 साल के बाद अमीषा पटेल किसी बड़ी मूवी में दिखाई देंगे, आखिर ऐसा क्यों? आज के वीडियो में हम बात करेंगे अमीषा पटेल से जुड़े उन बाकी पहलुओं के बारे में, इसके बारे में शायद आप लोग अनजान होंगे। क्यों अपने करियर में 40 फिल्में देने के बावजूद ये गिनी चुनी एक दो फिल्मों के लिए ही जानी जाती हैं? क्यों बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में करने के बावजूद बॉलीवुड इन्हें काम नहीं देता? क्यों एक शादीशुदा फिल्म डायरेक्टर के प्यार में पड़कर अपने माता पिता के खिलाफ केस दर्ज करवाया? क्यों इन पर समय समय पर धोखाधड़ी के इल्जाम लगते रहे? कमर की पेटी बांध लीजिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमीषा पटेल का जन्म हुआ था 9 जून 1975 को एक गुजराती परिवार में, जो कि मुंबई में ही सेटल्ड है। पिता का नाम अमित है, जो कि एक बिजनेसमैन है। माता का नाम आशा है, जो एक हाउसवाइफ है। अमीषा की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई है और आगे की पढ़ाई के लिए वो यूएस चली गई, जहां से इन्होंने बायोजेनेटिक्स इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त की। बात अगर अमीषा के फादर की करे तो अमित एक्टर राकेश रोशन के स्कूल फ्रेंड रह चुके हैं। अमीषा का एक भाई है अश्वित पटेल, जो एक खुद एक्टर है। अपनी पढ़ाई पूरी करके अमीषा ने यूएस में ही नौकरी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अमीषा के मन में कहीं न कहीं एक्टिंग करने का मन था, इसलिए उन्होंने जॉब छोड़ी और मुंबई आ गई अपने सपने को पूरा करने। यहाँ आकर अमीषा ने सत्यदेव दुबे थिएटर ज्वाइन कर लिया, जो कि एक फेमस थिएटर है। थिएटर करने के दौरान ही अमीषा ने कई एड फिल्म में भी काम किया। ये एड फिल्म थी बजाज, फेयर एंड लवली, लक्स और कैडबरी। इन्हीं एड के दौरान अमीषा बॉलीवुड की नजरों में आ गई थी। इसी दौरान राकेश रोशन अपने बेटे के लिए एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म का नाम था कहो ना प्यार है। इस फिल्म में वैसे तो करीना कपूर की एंट्री हो चुकी थी और वो 6 दिन की शूटिंग भी कर चुकी थी, लेकिन उसके एटीट्यूड की वजह से उसे इस फिल्म से निकाल दिया गया था। उसके बाद राकेश रोशन ने अमीषा पटेल के फादर को फोन किया कि तुम्हारी बेटी एड फिल्म में काम करती है, क्या वो मेरी फिल्म में काम करेंगी? इस तरह अमीषा पटेल को मिली उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है उस टाइम की हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने अमीषा और ऋतिक रोशन को रातों रात स्टार बना दिया था। साल 2000 में अमीषा ने तेलुगु फिल्म में काम किया और ये फिल्म भी बहुत ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और इसके साथ अमीषा पटेल हिंदी के साथ में साउथ स्टार भी बन गई। साल 2001 में अमीषा की एक फिल्म आई गदर एक प्रेम कथा, जिसमें सनी देओल साथ में लीड रोल में थे और ये भी एक सुपर हिट फिल्म थी। शुरुआती 3 फिल्म हिट होने से अमीषा पटेल स्टार बन चुकी थी, लेकिन इसके बाद अमीषा की कई फिल्में लगातार फ्लॉप साबित हुई। ये फिल्में थी ये सफर है, जिंदगी का, क्रांति, क्या यही प्यार है, आप मुझे अच्छे लगने लगे। सारी फिल्मों में बड़े कलाकार थे, लेकिन ये सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। जिस समय अमीषा की फिल्में फ्लॉप जा रही थी, उस समय अमीषा एक और मुसीबत में फंस गई। दरअसल अमीषा ने अपने माता पिता पर केस कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता मेरे पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके 12 करोड़ रुपए वापस नहीं दे रहे। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ था जब अमीषा और विक्रम भट्ट का अफेयर शुरू हो गया था। दोनों का अफेयर शुरू हुआ था फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे से। दोनों का अफेयर शुरू हुआ तो दोनों लिविंग में रहने लगे थे। इस बात से इनके माता पिता बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि अमीषा विक्रम भट्ट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक तो वो पहले से शादीशुदा है और उनके पहले काफी अफेयर रह चुके हैं। लेकिन अमीषा के सर पे विक्रम भट्ट का भूत सवार था। इसी दौरान जब अमीषा ने अपने पिता से पैसे मांगे जो उनके पिता के पास रखे हुए थे, उन्होंने वो पैसे नहीं दिए और इसी के बाद अमीषा ने अपने पिता को लीगल नोटिस भेज दिया। उन दिनों ये बात मीडिया में काफी चर्चा का विषय बनी थी। अमीषा के माँ बाप ने भी ये आरोप लगाया कि उनकी बेटी जो कर रही है वो विक्रम भट्ट के कहने में कर रही है। इसी दौरान अमीषा ने एक फिल्म की थी हमरा, ये एक सुपर हिट फिल्म थी, लेकिन इसके बाद जो फिल्में आई वो सारी की सारी फ्लॉप साबित हुई। सलमान खान के साथ में ये है जलवा, अजय देवगन के साथ में परवाना, आफ्ताब शिवदासानी के साथ सुनो ससुर जी, वादा, ऐलान, जमीर, मंगल पांडे, मेरे जीवन साथी, हमको तुमसे प्यार है, सारी की सारी फिल्में बड़े बजट की बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्में थी, लेकिन सारी की सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। उधर अमीषा का रिश्ता विक्रम भट्ट के साथ गड़बड़ाने लगा था। ना अमीषा का करियर अच्छा चल रहा था, ना ही विक्रम भट्ट का। यही वजह थी कि 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद ये दोनों अलग हो गए। अमीषा और विक्रम का रिश्ता चला साल 2003 से साल 2008 तक। 2008 में अमीषा की मुलाकात हुई एक लंदन बेस्ड
बिजनेसमैन कनव पुरी से, और यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। लग तो ऐसे रहा था कि ये दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे, लेकिन साल 2010 में ये दोनों अलग हो गए और इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। साल 2010 तक अमीषा का करियर पूरी तरह डाउन हो चुका था, इन्हें फिल्में मिलना पूरी तरह से बंद हो गई थी। साल 9 साल 2010 में इनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। साल 2011 में इनकी एक तेलुगु और एक हिंदी फिल्म आई, ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप साबित हुई। साल 2011 में अमीषा ने अपने दोस्त कुणाल तोमर के साथ प्रोडक्शन हाउस खोला था। इस कंपनी का नाम रखा अमीषा पटेल प्रोडक्शन हाउस। अपना प्रोडक्शन हाउस बनने के बाद अमीषा ने अपनी पहली फिल्म रिलीज की, इसका नाम था देसी मैजिक। ये फिल्म तो बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन किसी वजह से ये रिलीज नहीं हो पाई। ये फिल्म बनाने के लिए अमीषा ने अजय कुमार सिंह से 3 करोड़ रुपए उधार लिए थे। पैसे न लौटाने पर अजय कुमार ने अमीषा पे केस कर दिया था। अमीषा के प्रोडक्शन हाउस में ये फिल्म तो नहीं बन पाई थी, लेकिन अमीषा का कुणाल गोमर के साथ अफेयर शुरू हो गया था। हालांकि कुणाल शादीशुदा था, लेकिन दोनों का अफेयर चलता रहा। इन दोनों का अफेयर चला लगभग 1 साल तक, और 1 साल के बाद ये दोनों अलग हो गए। अमीषा का करियर नहीं चल रहा था, प्रोडक्शन हाउस भी डूब गया था। अब अमीषा के पास फिल्मों में कमबैक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। साल 2011 में अपनी फिल्में फ्लॉप होने के बाद अमीषा ने 2 फिल्में साइन की। ये फिल्में थी भैया जी सुपर हिट, जो सनी देओल के साथ थी, और एक थी रेस 2। भैया जी को बनने में 5 साल का टाइम लगा, और ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई, जबकि रेस 2 2013 में ही बनकर तैयार हो गई थी और रिलीज भी हो गई थी। रेस 2 में अमीषा का एक सपोर्टिंग रोल था और ये फिल्म सुपर हिट भी रही थी। लेकिन इस फिल्म से अमीषा के करियर को कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस फिल्म में इनका साइड रोल था। 2013 में अमीषा की एक और फिल्म आई थी, का नाम था शॉर्टकट रोमियो, लेकिन ये भी फ्लॉप साबित हुई। इसी दौरान अमीषा की मुलाकात हुई मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन नेस वाड़िया से। नेस वाड़िया और अमीषा की मुलाकात एक जिम में हुई थी, जहां से दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज किए और वहां से इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अमीषा और नेस वाड़िया हर जगह एक साथ पोर्ट किए जाने लगे, दोनों पार्टियों में साथ साथ दिखने लगे। कहा तो ये भी ज्यादा था कि नेस वाड़िया अमीषा को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिया करते थे। इन दोनों का रिश्ता चला लगभग 2 साल। 2 साल के बाद इनका रिश्ता किसी वजह से टूट गया। साल 2018 में इनकी एक फिल्म आई भैया जी सुपर हिट, लेकिन ये फिल्म बिल्कुल डिजास्टर साबित हुई। इस फिल्म के बाद अमीषा से मीडिया ने पूछा था कि क्या आपकी इस फिल्म को बॉलीवुड में कमबैक माना जाए। इसके बाद अमीषा ने बहुत ही एटीट्यूड में जवाब दिया कि कमबैक का क्या मतलब, मैं फिल्मों से गई कब थी जो कमबैक करेगी। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि 2013 के बाद 2018 तक इनकी कोई भी मूवी नहीं आई थी। लेकिन अमीषा का एटीट्यूड तो ऐसा था कि हर साल 4 से 5 मूवी कर रही हो। वैसे अमीषा के घमंड का ये पहला केस नहीं था, उससे पहले भी अमीषा मीडिया को अपना एटीट्यूड दिखा चुकी हैं। दरअसल जब अमीषा अपने करियर के टॉप पर थी, तो उन्होंने अपने मैनेजर से ये कहलवा दिया था कि अमीषा को कोई भी अमीषा नहीं कहेगा, अमीषा को अमीषा जी कहकर बुलाएंगे। नहीं, अमीषा कभी भी मीडिया पे चिल्ला देती थी, जिससे समय समय पर अमीषा का घमंड दिखाई देता था। ये अमीषा का नखरा और घमंडी था कि अमीषा धीरे धीरे फिल्मों से गायब होती चली गई। दोस्तों, आजकल अमीषा पटेल का नाम गदर 2 मूवी के अलावा किसी और वजह से भी मीडिया में छाया हुआ है। अमीषा पटेल पर एक फ्रॉड का केस चल रहा था, जिसमें इनके खिलाफ रांची कोर्ट में वारंट इश्यू हो गया था और हाल ही में इन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ा था। अगर हाजिर नहीं होती तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। अमीषा पटेल मुंह छिपा कर पूरी सिक्योरिटी के बीच में कोर्ट पहुंची, और वहां मौजूद उनके फैंस को भी दुख हुआ होगा कि इतनी बड़ी सुपरस्टार खुद चलकर यहां आई है। ये अलग बात है कि उन्हें जल्दी ही बेल दे दी गई। दरअसल ये केस है पैसे को लेकर धोखाधड़ी का। अमीषा और उनकी म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर पर पैसे लेकर म्यूजिक ना बनाने का आरोप लगा है। म्यूजिक बनाने के नाम पर अमीषा ने अजय कुमार नाम के व्यक्ति से 2.5 करोड़ रुपए उधार लिए थे। अजय कुमार साल 2018 में अमीषा से चूना लगवा चुका है, तब इन्होंने 3 करोड़ का धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। चेक बाउंस का केस भी किया था, तब अमीषा ने फिल्म के नाम पर पैसा लिया था। पैसे देने के बावजूद ना तो फिल्म बनी और ना ही पैसे मिले। पैसे मांगे तो 3 करोड़ रुपए का चेक थमा दिया गया, और वो भी बाउंस हो गया। अजय कुमार ने कहा था कि वो चेक बाउंस होने का केस कर सकता है, तो अमीषा ने उस वक्त कहा था कि वो किसी केस से नहीं डरती, वो इस तरह के केसेस को अच्छे से हैंडल कर लेंगी। वैसे अमीषा सच बोल रही थी, क्योंकि ऐसे केसेस को हैंडल करने में उन्हें महारत जो हासिल है। अमीषा पटेल ने तो खुद अपने माँ बापा पे केस किया था कि वो उनके पैसों की हेरा फेरी करते हैं, जबकि बाद में ये केस फर्जी निकला था। तो अजय कुमार किस खेत की मूली है, इन्हें अच्छे से पता है कि धोखाधड़ी के केस में कुछ नहीं होता। बॉलीवुड में अकेली अभिनेत्री नहीं है जिनको पैसों को लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगा है, बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दोस्तों,
एक वेबसाइट में अमीषा पटेल की नेटवर्थ 30 मिलियन अमेरिकन डॉलर बताई गई है। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 245 से 250 करोड़ होता है। एवरेज 225 करोड़ भी माने तो 2.5-3 करोड़ रुपए इनके लिए क्या मायने रखता है, ये तो 1000-2000 के बराबर है। लेकिन फिर भी इनकी पैसों की भूख खत्म नहीं होती। वेल, ये इनका पर्सनल मामला है, आपका इनके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी खुद को बड़ा स्टार समझने वाली अमीषा पटेल की सच्चाई। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।